नमस्ते, मेरा नाम समीता है और मैं पिरामिड मास्टर हूँ मुंबई से। आप सब पीएमसी हिंदी चैनल के ऑडियंस और सारे लोगों को, फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं एक स्पेशल और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक के बारे में बात करने वाली हूँ और आपको इसके बारे में, इनकी स्टोरी जो है बुक की, उसके बारे में बताने वाली हूँ। और ये बुक है द थर्ड आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मेरी सबसे फेवरेट बुक है ये। इस बुक को मैंने पहली बार 2010 में पढ़ा था और तब मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे थर्ड आई और ये सब बारे में थोड़ा पता तो था और चक्रास के बारे में जैसे हमें पता रहता है, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी तब, और मतलब इतना मुझे डीपली इंसाइट नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर तब पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत समझ आया था, और उसके बाद मैंने फिर से एक बार पढ़ा, थोड़ा आधा पढ़ा, लेकिन एक दो चैप्टर्स पढ़े थे। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक बार फिर से पढ़ा, और ये पढ़ा तब जब पत्री सर इसके बारे में बात कर रहे थे एक बार अपने ऑनलाइन, जब उनका सेशंस होते हैं तो उन्होंने जब एक बार बोला, मुझे फिर से ध्यान में आया, अरे ये बुक तो मेरे पास है और मुझे फिर से पढ़नी चाहिए। और मैंने फिर से निकाल के पढ़ी और अब मुझे ये बुक के बारे में इतना इंटेंसली समझ में आया है कि कैसे ये एक ऑथर जो है टी लोबसंग रामपा जो ऑथर हैं, उनकी ये खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल और इंस्पायरिंग जर्नी है स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिए, हम जैसे मास्टर्स के लिए। वो ये एक बुक लिखी है उन्होंने जो हम सबको इंस्पायर करती है, स्टोरी की कैसी जर्नी होती है हमारी स्पिरिचुअल पाथवे में। और ये बुक उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, ये तब की बात है जब तिब्बत, और ये ऑफकोर्स ये जो ऑथर हैं लोबसंग रामा, ये तिब्बत में रहते थे और उनकी वहाँ की जर्नी है, और तब की बात है जब चाइना के अंडर नहीं था तिब्बत, 1904-107 ऐसी बात है, तो तब इन्वेशन नहीं था चाइना का और तब तिब्बत एकदम फ्री कंट्री था। और उन्होंने ये जर्नी उन मास्टर्स की है जो वहाँ पे तिब्बत में रहते हैं, और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको ये सब जो थर्ड आई और क्लेवॉयंस लेवल, ये सब जो पावर्स हैं, मिस्टिकल पावर्स जो हम नाम देते हैं, या फिर जैसे टेलीपैथी है, लेविटेशन है, ये सब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, ये वहाँ पर डेली लोगों को बताया जाता था। मतलब वहाँ के लोगों को ये सब पता था, जो स्पेशली लामास और मॉन्क्स थे वो लोग ये प्रैक्टिस करते थे, एक नॉर्मल लाइफ था ये सब पता रहना। उनको ये सब मालूम था कि ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं या कैसे ये पावर्स है, उनके डे टू डे लाइफ में वो लोग ये सारी बातें किया करते थे, तो ये एक नॉर्मल डेली उनकी रूटीन थी ये सब बात करना स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में। सो ये जो बुक है वो इतनी स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये जो ऑथर हैं, ये सबसे पहले अपने बुक में यही लिखते हैं कि ये जो मेरी जर्नी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच कहानी है, सच के मतलब बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर, कुछ भी टेम्पर नहीं किया है मैंने और कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो लोग समझ नहीं पाए या जो लोग विश्वास नहीं करें। लेकिन वो फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना इस पे विश्वास करते हैं या कितना सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये ऑथर ने सबसे पहले यही लिखा है फर्स्ट पेज पर कि ये बुक मैंने इसीलिए लिखी है जो लोग इसे समझ सकें और जो लोग इसकी सच्चाई को महसूस कर सकें। सो इसीलिए ये बुक बहुत स्पेशल है, और अब तो मुझे और ज़्यादा स्पेशल लगती है क्योंकि ये सब मिस्टिकल स्पिरिचुअल पावर्स और एनलाइटनमेंट की बातें हम अभी इतनी करते हैं, और थर्ड आई ओपनिंग और लेविटेशन की बातें, ये सब हम अभी हमें कितना कुछ मालूम है इसके बारे में अब। तो ये बुक है उनकी जर्नी, उनकी आत्मकथा है, और ये जो ऑथर हैं ये तब से इनकी जर्नी शुरू होती है जब ये 4 साल के थे, लेकिन उसके पहले भी इस ऑथर का जो जन्म है वो भी, मतलब ही वॉज बॉर्न विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, ऐसा बोला जाए तो ठीक है। उनको पता था ये सब पावर्स उनके अंदर है, पर वो छोटे थे इसलिए उन्हें इतना समझ नहीं आता था, लेकिन ही वॉज बॉर्न विथ सम स्किल्स
जैसे क्लेयरवॉयंस थोड़ा बहुत उन्हें दिखाई देता था, उन्हें महसूस होता था फीलिंग्स, उन्हें बहुत कुछ समझ आता था, उनको नॉलेज भी थी। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें ये सब ज्ञान था और उनके जो पेरेंट्स थे वो भी ये समझते थे कि ये जो लड़का है ये बहुत स्पेशल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही विजडम और नॉलेज है जो हमको अब धीरे धीरे पता चल रहा था। तो ये तब की कहानी है जब मैंने बताया जैसे तिब्बत में ये सब रहते थे, ल्हासा सिटी था, ल्हासा सिटी का नाम था, ये वहाँ पे सब रहते थे और वहाँ की जर्नी है। वहाँ पे ये जो ऑथर हैं वो अपनी कहानी उस टाइम से शेयर करते हैं जब ये खुद 4 साल के थे और वहाँ पर जो लोग जब रहते थे और उनकी जो जर्नी थी और जो बहुत सारी कठिनाइयाँ और डिफ़िकल्टीज उनको आई उस टाइम वो सब वो बताते हैं। तो पहला जो इसमें चैप्टर है बुक का वो शुरुआत ही इसी से होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ये मैप दिया है पूरा ल्हासा और तिब्बत का जो ल्हासा है और उस टाइम जो बहुत ही सुंदर सिटी था, बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और एनर्जी उस सिटी की बहुत हाई थी। जो एक्चुअल सिटी था वो पहाड़ों पे था, जैसे आपने लद्दाख सुना है हमारे जो कंट्री में है, वैसा ही ये 12,000 फीट लेवल पे था, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे था ये ल्हासा सिटी। तो उस वहाँ की एनर्जी ही बहुत स्पेशल थी और बहुत हाई एल्टीट्यूड के वजह से वहाँ पर जो वाइब्रेशन लेवल था पहाड़ों का और आसपास की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हायर पावर्स थी। मतलब वहाँ के लोगों को समझ था इसके बारे में कि यहाँ पे बहुत स्पेशल रहने का सिचुएशन है। सो ये जो उन्होंने शेयर किया है उस सिटी के बारे में, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन बहुत अलग था, क्योंकि वो लोग उनको पता था कि उनको जो है वो नेचर से कनेक्टेड थे। वो जैसे वहाँ के ट्रीज, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो हर्बल प्लांट्स थे, जो मतलब वहाँ का जो लेक्स था वो बहुत उनको पता था कि हम इन नेचर से एक अलाइनमेंट करके रखें, एक अलाइनमेंट बना के रखें तो हम लोग आराम से इस हाई एल्टीट्यूड पे रह सकते हैं। तो उन्हें ये सब वहाँ के जो लोग थे, तिबेतन्स जो थे, उनको ये सब पता है, उनको ये पता था ये सब कि किस तरह से लॉज है जो नेचर का, उसके साथ चलना है हमको। इसीलिए उनको ये सब पावर्स बहुत इजीली पता थे, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ये जो चैप्टर है उनका, पहला जो चैप्टर है शुरू होता है अर्ली डेज एट होम। तो उनकी जो लाइफ, घर की जो लाइफ थी उसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे वहाँ पर लोग खेती करते थे या ऐसे अलग अलग काम थे उनके, बहुत सारे मतलब ज़्यादा करके खेती करते थे वहाँ लोग, क्योंकि लैंड बहुत थी और वहाँ पे अद्भुत किस्म के प्लांट्स थे, जो हर्ब्स जिनको हम बोलते हैं। और वहाँ पे जो लोग थे वो ये सब काम करते थे, कैटल फार्मिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, फैक्ट्रीज और वो सब तो थे नहीं, तो यही ज़्यादा करके उनका ऑक्यूपेशन था। और जो ये ऑथर है लोबसंग रामपा, टी लोबसंग रामपा है उनका जो नाम है, ट्यूसडे लोबसंग रामा बोलते थे उनको। जो ट्यूसडे क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो ट्यूसडे के दिन उनका जन्म हुआ, लोबसंग उनके फादर से उनको मिला और फिर रामपा उनको उनका स्पिरिचुअल नेम मिला, इसीलिए उनका टी लोबसंग रामपा नाम दिया गया। उनके जो फादर थे वो बहुत ही जैसे कह सकते हैं वो एक लीडिंग मैन थे। उनकी जो ऑक्यूपेशन थी, जो वो काम करते थे, बहुत अपर क्लास कह सकते हैं उस ऑक्यूपेशन में थे। जैसे उनकी जो क्लास है वो हायर कैटेगरी में ली जाती थी और वो वहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे। और उनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, लेकिन उनको जैसे उनका जो फैमिली था वो एक अपर क्लास के कैटेगरी में आता था, इसलिए उनको बहुत मान देते थे लोग, रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए जो हमारे ऑथर हैं रामपा, उनको भी बहुत ऑफकोर्स अपर क्लास के वजह से वो बहुत ही अच्छे लेवल में थे, एक क्लास थी उनकी फैमिली की और वो वहीं सिटी में एक अच्छे से घर में रहते थे। वहाँ का जो माहौल था जैसे आम लोगों का था, सब लोग पढ़ाई भी करते थे, वहाँ पे स्कूल्स थे, एक कम्युनिटी लिविंग जैसा था।
जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब वहाँ के सिटीज़ में था तब। और वो लोग इसको बहुत बहुत एक वहाँ के जो फैमिलीज थे वो लोग बहुत इसको ध्यान से फॉलो करते थे, सारे रूल्स को, जो भी तिब्बतन गवर्नमेंट के रूल्स थे, जो वहाँ के लोग जो रहते थे उनको पता था कि हमें तिब्बतन गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो लेवल्स थे, जैसे आपको सबको पता है दलाई लामा एक लेवल था जो उनको, जिनको वो लोग एक भगवान की तरह रिस्पेक्ट करते थे, एक बहुत स्पेशल और अपर मास्टर का लेवल था। दलाई लामा सबसे पहले आते थे, उनके बाद उनके जैसे लोअर मिनिस्टर, उसके बाद फिर और मॉन्क्स थे जो कि टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, उसके बाद जो स्पेशल ट्रेनिंग दे दिया जाता था वो मास्टर्स थे, और फिर उनके जो देख रेख करने वाले लोग थे और सिक्योरिटी था, और ये सब उनके लेवल्स थे। बट सारे के सारा मोस्टली तिब्बतन जो गवर्नमेंट था वो लामास के अंडर ही था, वही लोग देख रेख करते थे। तो ये जो इनकी जो जर्नी है, ये जो बताते हैं पहले चैप्टर में कि इनको पढ़ाई तो करनी थी, इनको एजुकेशन तो कंप्लीट करना था, क्योंकि इनकी फादर की लेवल ऐसी थी कि उनको एजुकेशन तो करना ही पड़ा। तो लेकिन बिकॉज इनकी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर थी, जो नॉलेज थी, जो इनके पेरेंट्स ने महसूस किया, सो इनको ये लगा कि ये बहुत स्पेशल बच्चा है, तो इसके बारे में इन्होंने ना लामाज जो मिनिस्ट्री है, जो इनका जो मॉनेस्ट्री में जो रहते थे ये लामा, उनको बताया इन्होंने। क्योंकि ऐसा था वहाँ पर कि जब इनको इनके पेरेंट्स को पता चलता था कि ऐसा कोई हमारा बच्चा है, अगर ये स्पेशल है और इसको ये सब जो नॉलेज है, और ये बातें ऐसी करता था कि बहुत ही चौंकान देने वाली कभी कभी बातें करता था पावर्स के बारे में, तो इनको लगा कि ये लामाज जो हमारे जो सीनियर लामाज हैं या जो दलाई लामा जी हैं, इनके कानों में ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा फील हुआ। तो इन्होंने वहाँ तक बात पहुंचाई, और वहाँ के जो मास्टर्स थे, वहाँ के जो सीनियर मेंबर्स थे जो मोनेस्ट्री के, उन्होंने फिर इनसे बात करी, और इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके घर आएंगे, एक कोई स्पेशल दिन सेट किया, और फिर इनसे मुलाकात करेंगे। और ये लोग वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पे बहुत एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते थे, ये लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स खुद बनाते थे, इनको फॉलो करते थे, और हर एक बच्चे का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता था। और एक बहुत अच्छी एक स्पेशल बात थी इनके सिटी में, ये लोग है ना एक बुक फॉलो करते थे, बुक ऑफ इंकार्नेशंस बोलते हैं लोग, उसमें है ना सारे जितने भी लोग बॉर्न होते थे जो कि स्पेशल पावर्स होती थी, या जो लामाज फॉलो करते थे, मॉन्ग की जो जर्नी है, या मॉन्ग्स बनते थे और फिर लामा जो फिर जर्नी फॉलो करते थे, उनको बुक ऑफ इंकार्नेशन में उनके नाम और उनकी फैमिली और उनकी हिस्ट्री, उनका विलेज, सब उसमें नोट डाउन किया जाता था विद द ईयर ऑफ बॉर्न एंड ईयर ऑफ डेथ। तो ये जो बुक ऑफ इंकार्नेशन थी ना, ये इनके एक स्पेशल जगह पे रखते थे, और इनके फादर को भी इसके बारे में पता था, क्योंकि ये अपर क्लास के थे और उस लेवल पे थे, तो इनको भी इस बुक के बारे में पता था। तो इनकी जो बुक, इनकी जो फैमिली की हिस्ट्री थी, वो भी सब उस बुक में लिखी जाती थी। सो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वहाँ पर, जो ये बताते थे कि इस बच्चे का क्या आगे का फ्यूचर है, थोड़ा बहुत ये सब जानते थे, तो इन्होंने तय किया कि ये आके फिर इनके फैमिली से मिलेंगे। एक ये एक सेरेमनी की तरह होती थी कि एस्ट्रोलॉजर्स आके ये इनके फैमिली में आते थे और बच्चों के बारे में सारी जानकारी देते थे। ऑफकोर्स इनकी फैमिली में जैसे रामपा तो थे ही, और इनका एक ब्रदर था और एक सिस्टर थी, लेकिन वो लोग इतना पढ़ाई में इतने ठीक नहीं थे, तो इसके लिए एक स्पेशल फिर ये दिन तय किया गया कि इन एस्ट्रोलॉजर्स टीचर्स को घर में बुलाया जाए, एक सेरेमनी के तौर पे इनको बताया जाएगा कि इनका फ्यूचर क्या है, क्या ये लामा बनने लायक हैं, क्या ये आगे मॉन्क इनकी जर्नी होगी, या ये लोकल जैसे सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं एज अ नॉर्मल
तिब्बतन फिर, तो ये एक तय किया गया है। तो ये उनके जो पहला चैप्टर है ये इसी के बारे में है कि इन्होंने कैसा अपना जो इनका लर्निंग था एट द एज ऑफ 4, ये इन्होंने इस चैप्टर में बताया। और एक चीज़ बिफोर ये मीटिंग हुए, इसके पहले इनको इनकी जो लाइफ थी बच्चों की तिब्बत में, ये लोग सब है ना स्टार्टिंग से ये सारे टीचिंग्स बहुत नॉर्मल थे, जैसे बता रही हूँ इनको सिखाया जाता था फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग या तलवार सीखना या आर्चरी सीखना, बो एंड एरो। और एक और बहुत अच्छी चीज़ सीखते थे ये लोग, इसको कहते हैं स्टिल्ट वॉकिंग। इसका मतलब वो जैसे नहीं दो स्टिक्स पे आपने देखा होगा मेले में या ऐसे दो स्टिक पे लोग चलते हैं और ऊंचा होकर पैरों पे वो स्टिक बांध लेते हैं और फिर उसको पकड़ के चलते हैं, ये वहाँ पर बहुत लोग करते थे प्रैक्टिस। और बच्चों के टाइम पे मतलब छोटे से ही ये लोग सीखते थे और चलना शुरू करते थे ऐसे स्टिक्स पे, और इनको बहुत अच्छा लगता था ये सब सीखना। और इस पे स्टिक्स पे चलकर ये लोग ऐसे जैसे नदी भी पार कर लेते थे, तो इनको बहुत सारी ये सब चीज़ें पता थी। और काइट फ्लाइंग ये लोग करते थे गेम्स के तौर पे, काइट फ्लाइंग तो इनका एक नेशनल स्पोर्ट भी था और नेशनल गेम भी था, ये लोग अभी भी करते हैं वहाँ पर। सो ये सारी जानकारी उन्होंने इस बुक में दी। और फिर एक और चीज़ उन्होंने बताया कि वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वहाँ के जो बच्चे जब बॉर्न होते हैं ये सब नोट किया जाता है इनकार्नेशंस। एक और चीज़ इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताई जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एक तो ये लोग एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स फॉलो करते थे, एक और चीज़ फॉलो करते थे जब वहाँ पे बच्चे जन्म लेते थे, क्योंकि ये जो सिटी था बहुत हाई एल्टीट्यूड पे था, तो यहाँ के जो जैसे एंसिस्टर्स नहीं बोल सकते जो सीनियर मेंबर थे घर के, जैसे ग्रैंड मदर है ग्रैंडफादर है, वो लोग एक है ना टेस्ट करते थे बच्चों के साथ जो जन्म लेते थे उनके, कैसे क्या करते थे, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन था एक तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे था और वहाँ पे बहुत ठंड होती थी क्योंकि स्नो होती थी, माइनस डिग्री पे चला जाता था टेम्परेचर। तो वहाँ पे बच्चों के साथ एक ये लोग अद्भुत सी टेस्ट करते थे जब वो जन्म लेते थे, जो ग्रैंड मदर होती थी घर की जो बड़े होते थे, वो लोग इन बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबीज थे उनको है ना लेक के तरफ लेके जाते थे, मतलब और वहाँ पर ठंडे पानी में उनको डिप करते थे, सिर्फ मुंह पर पानी नहीं आने देते थे और मुंह के नीचे तक वो लोग ठंडे पानी में उस बच्चे को डिप करते थे, और वो 3 मिनट तक उस बच्चे को पानी में रखते थे और वो बच्चा एकदम मतलब ब्लू हो जाता था, उसको फिर उठाते थे वो रोना शुरू कर देता था। और अगर वो ऐसा सोचते थे, उनकी ये सोच थी कि अगर बच्चा रोने के बाद सर्वाइव करता है और अच्छे से आगे फिर सर्वाइव करता है और फिर उसे कुछ नहीं होता, तो फिर उसको उनको पता होता था कि ये बच्चा इस हाई एल्टीट्यूड जगह पर जहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है जो बहुत कठिन उनकी जर्नी होती है, ये सर्वाइव कर जाएगा उधर रहेगा। और अगर बच्चा रोता है और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और फिर नहीं सर्वाइव कर पाता है बिकॉज वो ठंडे पानी में इतना टाइम था, तो वो लोग समझ जाते थे कि ये बच्चा बहुत वीक है और वीक लोगों की वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, ऐसा उनकी सोच थी। ये करते थे और ये फॉलो भी करते थे, ये ट्रेडिशन के जैसा था एक वहाँ पर, और एक कल्चर था उनका जो इस बच्चों के साथ वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ वो लोग ये टेस्ट किया करते थे। तो ये सारी बातें उन्होंने इस फर्स्ट चैप्टर में शेयर करी। और फिर आखिर में वो दिन आया जहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनकी टीम, जो इसमें से आई थिंक इन्होंने बताया कि ऐसे 3 मास्टर्स थे जो एस्ट्रोलॉजर्स के नॉलेज में सबसे आगे थे, जो टीचर्स भी थे पढ़ाते भी थे और फिर वो उनके घर आते हैं। तो जैसे मैंने बताया एक सेरेमनी के हिसाब से ये लोग इस दिन को मनाते थे कि जब उनके जैसे फैमिली में किसी बच्चे का फ्यूचर तय किया जाता था, इसको ये एक सेरेमनी के तौर पे
करते थे, जहाँ पे ये लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते थे, और एक जैसे इनवाइट करना और कल्चरल प्रोग्राम्स करना, खाना वाना खिलाना, ऐसे एक सेरेमनी के तौर पे ये लोग इस दिन को देखते थे। तो ये जब दिन आया तो इनके जो फैमिली थी, इनके जो घर में जो इनकी मदर थी, इन्होंने सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे पकवान बनाने शुरू किए। सारे हेल्पर्स थे जो इनके घर पे, जो नौकर थे, क्योंकि ये लोग ऑफकोर्स अपर क्लास के थे, जो नौकर थे सारे, उन्होंने पकवान बनाने शुरू किए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था इन्होंने। सब देखना चाहते थे आखिर ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा है, जो इसकी क्या फ्यूचर है, इसका क्या लिखा है, क्या ये आगे लामा की जर्नी या मॉन्क की जर्नी के लिए सिलेक्टेड होगा या नहीं। सो ये सब इनका ये दिन जब आया तो ये सारे रेडी हुए, और फिर ये एस्ट्रोलॉजर्स इनके घर आए। इन्होंने फिर वही जो मैंने बताया, सारे स्टार और एस्ट्रोलॉजिकल साइन इन्होंने एक चार्ट पेपर पे बनाना शुरू किया, और एक रूम में बैठे जहाँ पे इनके फादर थे, इनकी मदर थी, ये खुद लोबसंग रामा भी बैठे। और इन्हें इतना तो समझ नहीं था क्योंकि इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। वहाँ पर उनको बिठाया, लेकिन इनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाई, और फिर थोड़ी देर के बाद इन्होंने जो ये टीचर्स थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, इन्होंने फिर अनाउंस किया कि हाँ, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा है, और इसका जो री इनकानेशन हुआ है, जो इनकानेशन इस जन्म में हुआ है, और जो इनका पिछला जन्म है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया कि ये पहले भी लामा रह चुके हैं, इनका बहुत सारे इनके काम हैं जो इन्होंने किए हैं, और इस जन्म में उसको कंटिन्यू करने वाले, जो इनका इनकानेशन हुआ है इस जन्म में, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए हुआ है। और ये जो इम्पॉर्टेंट काम है वो इस मॉन्क की जर्नी में उनको दिखाया जाएगा, इनको टीचिंग्स मिलेंगी, और ये बहुत एक ज़रूरी काम करेंगे आगे। तो ये सारी बातें उन्होंने इनके पेरेंट्स के साथ शेयर करी, और उन्होंने ये भी बताया कि इनके ऑफकोर्स ये बनने के लिए इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, इनकी जर्नी बहुत आसान नहीं होगी, बहुत सारे इनको वो कहते हैं ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, वैसा है। और इनको बहुत कुछ सिखाया भी जाएगा, और बहुत कुछ जो इनको अभी याद आ रहा है वो भी इनको इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, अलाइन किया जाएगा, इनको रेडी किया जाएगा कि ये फिर इस जर्नी में आगे सक्सेसफुल हों। लेकिन इनकी स्टार्टिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा कठिन भी रहेगी। सो ये सब उनको पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स को बताया, और फिर उन्होंने ये वो जो बुक कहते हैं ना, जिसको मैं बता रही थी, बुक ऑफ इनकानेशन, उसमें भी इन्होंने नोट डाउन किया कि आज के दिन इनका इनका इनके बारे में ये बताया गया, और इनकी जर्नी के बारे में ये सब टीचिंग्स जो है इनकी, ये सारा कुछ लिखा, जो भी उन्होंने शेयर किया वो उस बुक में लिखा गया। उनके फादर और मदर ने साइन किया, एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने साइन किया, और फिर इनको अनाउंस किया गया सारे लोगों को, और फिर सेलिब्रेशन हुआ कि अब ये मॉन्क की जर्नी के लिए तैयार हैं। और तब ये कुछ आई थिंक वही मैंने बताया, जैसे 4 साल के थे, और उनको रेडी कर किया गया इस जर्नी के लिए। इमेजिन 4 साल के ही थे तभी भी, और इनको रेडी करना शुरू किया गया, और इन्होंने बताया कि इनका जो स्टडीज़ है फिर अब ये वहीं पर होगा मोनेस्ट्री में। तो इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, या जिसको कहते हैं गवर्नमेंट था, और इनके फादर मदर सब ने डिसाइड किया ठीक है, इनकी जर्नी के लिए हम इनको रेडी करते हैं। और तब तक 1 साल और बीत गया, जबकि जब तक ये रेडी हों, और इनको पता था कि कुछ जब ये 4 साल के हों और उसके बाद इनको जाने की तैयारी, जैसे 1-2 साल लग जाता है जब ये अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद इनको रेडी किया जाता है, घर में सारी तैयारी होती है, और फिर एक स्पेशल डे सिलेक्ट किया जाता है, स्पेशल दिन सिलेक्ट किया जाता है कि ये इनको जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे भेजा जाए। तो जो ये मोनेस्ट्री
का नाम है जहाँ पे इनको भेजा जा रहा था, वो बहुत ही लाइक यू कैन से एक वेल नोन मॉनेस्ट्री है चकपोरी नाम से लामाश्री ऐसे बोलते हैं लोग, और इसको टिबेतन मेडिसिन मॉनेस्ट्री भी नाम दिया है उन्होंने, जहाँ पे टिबेतन मेडिसिन का नॉलेज और ज्ञान मतलब सिखाते हैं वहाँ के टीचर्स। तो ये जो स्पेशल मॉनेस्ट्री थी, यहाँ पे इनको जाना था पढ़ाई करने, अपनी आगे की पढ़ाई, और एज अ मॉन्कहुड और लामा का जर्नी जो था उनका, वो इसी मॉनेस्ट्री के नाम से इसी मॉनेस्ट्री के वहाँ से शुरू होना था। सो अब वो दिन आया जब इन्होंने, इनके जो लास्ट डेज थे घर के, और इनका जो क्या लिखा है, हाँ, इनका जो जैसे इनकी जो इनके बारे में जो इन्होंने बताया कि इनकी जो अब बाकी के दिन थे घर के, इन्होंने सारा कुछ सीखा, सारे कुछ अपने माता पिता के साथ जितना वक्त हो गुजारा, और फिर वो जो दिन आया जहाँ पर इनको जाना था, इन्होंने ऑफकोर्स अपनी तैयारी पूरी करी। इनको कुछ चीज़ें लेके जाने के लिए कहा था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इस टीचिंग्स के दौरान, जो अपने घर से लेके आने पड़ती है बिफोर यू गो टू मॉनेस्ट्री, जैसे कि इनका स्पेशल एक कप होता है चाय पीने के लिए, फिर इनके जो खाने का, जैसे टिबेतन्स है वहाँ पर ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो बहुत सारे फल और सब्जियाँ ऐसे उगते नहीं है, बहुत सारे ग्रोथ नहीं होती क्योंकि हमेशा बर्फ़ रहती है। तो ये लोग एक जो खाना खाते हैं ज़्यादा करके इनका वीट बेस्ड होता है, तो ये जो वीट है ये लोग इससे ग्राउंड करते हैं और उसको फिर रोस्ट करते हैं एक अलग से तरीके से, और इसको फिर रोस्ट करके वो लोग हमेशा तैयार रखते हैं, जिसको ये लोग सांपा कहते हैं। और इस वीट के पदार्थ को, रोस्टेड जो है उसको, ये लोग एक बटर जो याक बटर है, जो वहाँ पे याक बहुत होते हैं, गायें तो नहीं होती हैं, याक होते थे, तो याक बटर के साथ मिक्स करके ये लोग उस कप में, जो स्पेशल कप होते हैं उसमें ये लोग फिर खाते थे याक बटर के साथ, और एक जो चाय पीते थे वो भी बटर टी बोलते हैं उसको, वो भी एक स्पेशल तरीके से बनाते थे, टी लीव्स होती थी लेकिन फिर उसमें याक बटर ऐड होता था, कुछ सॉल्ट और कुछ हल्की सी शुगर। तो ये जो टी है बटर टी, वो सॉल्टेड होती थी क्योंकि उस विंटर के वहाँ का जो ये वेदर था, उस कंडीशंस में ये जो बटर टी होती है वो बहुत ही मतलब हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़रूरी थी वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। नॉर्मल टी पीना और ये टी पीने में बहुत फ़र्क था, तो इसलिए ये लोग बटर टी ही ज़्यादा करके वहाँ के लोग पीते थे। तो इन्होंने अपने लिए अपना टी कप, अपना स्पेशल खाने का जो कप था जिसमें सांपा खाते थे, और एक चीज़ स्पेशल थी ये रोज़री माला, जिनको वो मेडिटेशन में यूज़ करते थे जाप करने के लिए, जो जाप माला कहते हैं। तो ये रोज़री माला, ये तीन चार चीज़ें, और फिर उनका उनके जो कपड़े थे, जो वो एक दो जोड़ी उन्होंने कपड़े लिए, और बहुत ज़्यादा सामान उनको लेके जाना अलाउड नहीं था। तो ये सारे जो सामान था उन्होंने अपना रेडी किया, इनको बोला गया कि तुम रेडी हो, और दूसरे दिन उनको सुबह निकलना था, और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पे, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक इस जर्नी में जाने वाले थे, तो बहुत सैड भी थे कि अपने पेरेंट्स से दूर जाना है, घर छोड़ के जाना है। तो इन्होंने सबसे बात करी, मिले इनके जो भाई बहन थे और इनके जो बाकी के लोग थे घर में, सबसे इन्होंने पहले ही मिल लिया क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे, तो रात को ही इन्होंने सबसे मिला और सबसे बातें की, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जर्नी इसके बाद चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। सो इन्होंने ये सब लिखा और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करी, एक स्मॉल लेदर बैग था इनके पास, वो इनको इनके पेरेंट्स ने दिया था। तो ये सब इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा है, एक वुडन सांपा बॉल, वुडन कप, और हाँ एक कार्विंग नाइफ इनके पास था वो भी लिया, थोड़ी रोस्टेड जो वीट बार्ली भी ये लोग बहुत खाते थे। तो ये सब इन्होंने इकट्ठा किया, अपने लेदर बैग में रखा और अपने तैयारी की, और अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह
ये अपने जर्नी पे निकल गए। तो वहाँ से उन्होंने ऑफकोर्स घोड़ा लिया, जिसको ये पोनी बोलते थे क्योंकि ये छोटे थे, तो इन्होंने अपना पोनी लिया और उस पर निकल पड़े मॉनेस्ट्री के तरफ। तो जो इनका घर था, ये लोग लासा में ही थे, लेकिन जो मॉनेस्ट्री थी वो थोड़ी दूर थी और पहाड़ी पे थी, बहुत पहाड़ी पे मॉनेस्ट्री बनाते थे ये लोग। सो उस वहाँ पर उन्होंने घोड़े के घोड़े में चढ़ के, जो पोनी था वहाँ पे चढ़ के मॉनेस्ट्री के तरफ निकल गए। तो कितनी अच्छी जर्नी है, इन्होंने इतनी छोटी सी एज में उन्होंने इतना कुछ समझ लिया था कि इनको अजीब नहीं लग रहा था ये सफ़र, लेकिन वो थोड़े बस सैड थे कि इनको जो वो घर की जो आदत पड़ गई थी कंफर्ट की, वो इनको फील हो रहा था कि अब मैं खेल नहीं पाऊँगा और मेरी क्योंकि इनको पता था कि इनकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। और एक और चीज़ जाने से पहले इनके फादर ने इनसे शेयर की थी, वो ये थी कि उनको बोलते हैं कि अपने बेटे को कि तुम ये लर्निंग करने जा तो रहे हो, तो ये जो शेयर कर रहे हैं वो इनको याद आता है कि इनके फादर ने बोला था कि तुम जा तो रहे हो ट्रेनिंग के लिए और ये मॉनेस्ट्री में, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वहाँ पर अगर फेल हुए इस टेस्ट में, या तुम्हें समझ नहीं आया और तुम्हें लगा अरे मैं तो नहीं मॉन्क बन सकता हूँ, बहुत कठिन है, अगर तुम इसमें फेल हुए तो वापस मत आना ये घर में। बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, उन्होंने ये वर्ड्स लिखे हैं कि यहाँ पर तुम आ नहीं सकते हो वापस, क्योंकि तुम्हारी जो जर्नी है वो वहीं है, तो तुमको वहीं रहकर ही ये सब सिद्ध करना है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है घर में, तुम वापस नहीं आ सकते, कहीं भी चले जाना पर घर पे मत आना। ये बात उनको बहुत जैसे दिल के अंदर घर कर गई। तो ये बात सोचते सोचते ये पोनी पे मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे, तो इनको पता था कि अगर ये फेल होते हैं टेस्ट में तो इनके फादर तो इनको घर में आने ही नहीं देंगे, तो ये ऑफकोर्स चल पड़ते हैं ये सोचते सोचते और टेम्पल के गेट्स पे पहुंच जाते हैं, चकपोरी लामाश्री टेम्पल ऑफ टिबेटन मेडिसिन के नाम से। तो ये जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, ये पहाड़ जैसा दिखाया है और ये मॉनेस्ट्री है। सो ऊपर की तरफ जो है ये मॉनेस्ट्री और ये पहाड़ जैसे है और पूरा सिटी तो इसके आसपास ही था। तो ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते टेम्पल गेट्स की तरफ पहुँचते हैं। फिर अब वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्क्स हैं आसपास बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं और बुज़ुर्ग भी हैं जो उनको दिखते हैं रास्ते में और वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो टेंपल पहुँचने के बाद उनके जो टीचर हैं, जो गाइड होने वाले थे, जो उनकी ट्रेनिंग के दौरान जो बेसिक ट्रेनिंग, जो बिगनिंग जिसको कहते हैं, वो शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की और फिर उसके बाद उनसे मिले और वो जो सीनियर लामा थे ऑफकोर्स वहाँ पर, तो उनकी जर्नी इस तरह वहाँ से शुरू होती है। उनका जो स्टार्टिंग का टाइम था फ्रॉम ईयर 5 जब वो वहाँ पहुँचे और 7, ये 2 साल उन्होंने बहुत कठिन ट्रेनिंग की, उनको बहुत कुछ सिखाया गया और सारे जो वहाँ के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, नॉर्मल ट्रेनिंग, सारे अदर जो मॉन्क्स थे बच्चे उनके साथ उनको बिठाते थे, उनको जैसे स्पेशल कोई अटेंशन नहीं दिया था तब, जबकि सारे वहाँ के लामाज और टीचर्स को पता था कि इनका जो इनकार्नेशन है कुछ स्पेशल टीचिंग्स के लिए हुआ है, इनको पता था कि इनको प्रॉपर विजडम और नॉलेज देना है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल इनको वैसे ही जनरल तरीके से और बाकी के बच्चों के साथ, बाकी के जो मॉन्क्स थे जो लर्न कर रहे थे उनके साथ ही बिठाया, वही कड़ी एकदम प्रिंसिपल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, रोज़ सुबह जैसे 3 बजे उठते थे सब लोग, वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो उनको प्रॉपरली फॉलो करना ही था। तो वहाँ की जो ट्रेनिंग थी, जो पढ़ाई थी, वो जैसे सुबह 3 बजे शुरू होती थी
और क्लासेस चलती थी वहाँ के अंदर ही, स्कूल था मॉनेस्ट्री में, स्कूल और क्लासरूम्स था, वहाँ पे किचन था, वहीं के लोग खाना भी बनाते थे, तो इनको वहाँ पर किचन में भी डिप्लॉय करते थे। कभी अलग 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 जैसे हफ्तों में इनका सबका सेट था कि क्या क्या करना है। कुछ लोग सफाई करते थे, कुछ लोग खाना बनाते थे, कुछ लोग जैसे वहाँ पे जो प्लांट्स थे, जैसे मैंने बताया बहुत हर्बल प्लांट्स थे, वो लेने जाना, और फिर कुछ लोग जैसे ये जो प्रेयर्स थे वो रिसाइट करते थे। तो ये सारा कुछ ना एक सेट तरीके से 2 साल तक इन्होंने किया। फिर जब एज 7 पहुँचे, जब उनका 7th ईयर आया, तब इनको इनके जो मास्टर थे, इनका नाम था मिंग्यार टोंडो, लामा मिंग्यार टोंडो, ये इनके जो मास्टर थे जिन्होंने इनसे पहले से ही जो इनके साथ जुड़े, इन्होंने फिर इनको एक जो कहते हैं स्टार्ट इनके साथ, क्योंकि इन्होंने देखा इनके साथ थे और इनके इनको पढ़ाते थे, सो इन्होंने फिर इनको एक ट्रेनिंग के दौरान जो अलग अलग तरीके की नॉलेज है या सीक्रेट नॉलेज जिसको कहते हैं, ये फिर इनको देना शुरू किया। सो अब जो इनकी जर्नी शुरू हुई, अब जो इनका स्पेशल टाइम शुरू हुआ वो इस एज से हुआ। ऑफ कोर्स इसके पहले इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था, ये जो इनके 2 साल की ट्रेनिंग थी इसके दौरान, और ये जो मास्टर्स हैं इनको इस टाइम पे इन्होंने इन्हें जो ट्रेनिंग थी वो लॉज ऑफ नेचर, ये इनका बहुत अच्छा ज्ञान था और नॉलेज था। इन लोगों को लामाज और मॉन्ग्स की ये बहुत एक जिसको कहते हैं ना एक सीक्रेट नॉलेज है, इनको पता था कि लॉज ऑफ नेचर, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर है, इनको फॉलो करते थे ये लोग। तो इसके ऊपर भी ये टीचिंग्स थी इनकी कि अगर हम ये सीखते हैं तो इस तरह से ये लोग इस मिस्टिकल पावर्स को अचीव कर सकते थे। इन्हें पता था कि अगर हम लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं तो ये जो मिस्टिकल पावर्स हैं, जिसको हम लेविटेशन कहते हैं या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं या क्लेयरवॉयंस कहते हैं, इसको सीखना इजी होगा। तो ये सारी चीज़ें ये जो मास्टर थे, टीचर थे, इन्होंने रामपा को सिखाना शुरू किया, लोपसंग रामपा को। और फिर एंशियंट जो इनके स्क्रिप्चर्स थे, फिर जैसे मेमोरी ट्रेनिंग या मेडिटेशन है, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग है, चैंटिंग है, ये सब सिखाना शुरू किया वहाँ पर। फिर ये सब चीज़ें जो इन्होंने सीखी वहाँ पर, इन्होंने एक और चीज़ महसूस की कि रिलैक्सेशन टेक्निक जो होती है स्पेशल है, और एक तरीका इनको फॉलो करना था, इनको सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें तो इन्होंने सीखी। फिर इनको इनके जो टीचर थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको जल्दी भी सिखाना है क्योंकि इनको काम करना है आगे, इनको सबको पता था, इन्होंने इसको इनको फिर जो दलाई लामा थे उससे मिलवाया। वहाँ पर एक दो बार पहले मिले, लेकिन तब इनकी मीटिंग जो थी वो एक नॉर्मल मॉन्क के जैसे थी, लेकिन उस टाइम फिर इन्होंने जब दलाई लामा से मिलवाया तो इन्होंने इनकी जो मीटिंग थी वो भी एकदम अद्भुत तरीके से हुई। इनको बताया गया कि दलाई लामा को मिलने के पहले इनको कैसे बिहेव करना है, इनको रिस्पेक्टफुली कैसे उनका आदर करना है, और ये लोग वहाँ पर एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, स्कार्फ्स, वाइट स्कार्फ्स, यू नो, एक रिस्पेक्ट के हिसाब से दलाई लामा जी को देना है। और फिर वो उनको बताया जाता था कि वहाँ पर कैसे बैठना है, तो ये सब ट्रेनिंग भी उनको दिया जाता था। और इन्होंने फिर दलाई लामा से मिले, उन्होंने शेयर किया, दलाई लामा जी ने इनको देखकर ही बताया कि ये तो बहुत इनको देखकर ही पता चला कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो एक फास्ट इस पे फास्ट पेस पे होनी चाहिए अब, क्योंकि इनको बहुत कुछ सीखना है आगे। तो इन्होंने इनके टीचर से ये बात शेयर करी कि अब इसका टाइम जो है वो आ गया है कि इनको स्पेशल पावर्स के बारे में बताया जाए
जो सीक्रेट नॉलेज था, जो इनका विजडम था, जो मॉनेस्ट्री का, इसके बारे में इनको नॉलेज बताया जाए और दिया जाए। सो उसके बाद फिर इनके जो टीचर हैं डोंतुप मेंग्या डोंतुप जो थे, उन्होंने फिर ये जो बुक का है, वो जो बुक का नाम है थर्ड आई, अब इसके बारे में उन्होंने इसका जानकारी देना शुरू किया। सो इनका जो लाइफ था उसके बारे में तो इन्होंने सब कुछ बताया, इनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया। फिर इनके मास्टर ने डिसाइड किया और इनके साथ शेयर किया कि तुम वैसे भी तुम्हें थोड़े तुम क्लेयरवॉयंस हो, इसके बारे में इन्होंने बताया कि तुम्हें दूर की दृष्टि थोड़ी है, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है। अब हम तुम्हें एक कल उन्होंने तय किया कि कल के दिन तुम्हें हम तुम्हारी जो थर्ड आई है इनको इसके नॉलेज के बारे में बताया और इसके ऊपर हम काम करेंगे। सो इनको जो रामपा है इन्होंने थोड़ा तो समझा, थोड़ा इनको समझ में आया कि टीचर ने क्या बताया, थोड़ा वो फिर उन्होंने वेट किया नेक्स्ट डे के लिए। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कुछ तीन टीचर्स जहाँ पे ये रूम था इनका वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर ये जो सीनियर जो टीचर्स थे और इनके जो मास्टर थे वो सब इनके रूम पे आते हैं, इनको लेटने को बोलते हैं और इनके सिर पर यहाँ पे फोरहेड पर एक हर्बल का लेप लगाते हैं और फिर एक दो घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं और एक दो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं। ये उनकी सच्ची कहानी है सर, जो इन्होंने बताया है कि इसी तरह तरीके से इनके साथ ये इनको सिखाया गया, इनको बताया गया। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं जो यू शेप में होता है और फिर उस इंस्ट्रूमेंट को वो लोग एक फायर फ्लेम में गर्म करते हैं स्टरलाइज करने के लिए और फिर यहाँ पर लगाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को और उसको जैसे उस नोकीला इंस्ट्रूमेंट था और उसको ना अंदर की तरफ छेद करके घुसाते हैं। तो ये बहुत पेनफुल था एक्चुअली, बट हर्बल वो लोशन लगाने की वजह से रामपा को इतना फील नहीं हो रहा था। तो उनको पता चल रहा था कि उनको सेंसेशन था कि वो इंस्ट्रूमेंट उनके अंदर घुसा रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप और वो उनको सेंसेशन फील होता है उस टाइम, उनको बहुत टिंगलिंग होती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो एक सिल्वर पॉइंट इंस्ट्रूमेंट था वो भी अंदर डालते हैं और वो फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसको निकालते हैं और वो जो सिल्वर जरा सा एक क्या बोलते हैं नुकीला इंस्ट्रूमेंट था, इतना छोटा सा बोलते हैं, और उसको अंदर रखते हैं इस तरफ और उसके ऊपर फिर वापस से हर्बल एक लेप लगाते हैं और फिर तीन चार घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उस दौरान जब वो सो रहे होते हैं तो उनको काफ़ी कुछ महसूस होता है, पेन बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ लोशन, बट उनको बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं और अजीब अजीब से फीलिंग बॉडी में फील होती है और स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस जैसे अलग अलग खुशबू आती है उनको एकदम से, और उनको फिर उठने के बाद उनको ऐसे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रोसेस था थर्ड आई ओपनिंग का, वो ये लामास इसलिए उस पर कर रहे थे, इन्होंने बताया है कि इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनको ऑलरेडी इनका जो थर्ड आई था जो क्लेयरवॉयंस लेवल था ऑलरेडी बहुत एडवांस था, लेकिन इस प्रोसेस से इन्होंने उसको थोड़ा और फास्ट कर दिया ताकि इनकी जो जर्नी है वो एडवांस्ड हो जाए। इसीलिए ये प्रोसेस ये सिर्फ सीनियर लामा ही कर सकते थे और उन्हीं के साथ जिनको दलाई लामा ने सिलेक्ट किया और दलाई लामा ने बताया कि हाँ इसके साथ ये हम कर सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस था वो इनके साथ हुआ। ये इन्होंने इस बुक में बहुत डिटेल में शेयर किया और फिर उन्होंने बताया कि इसके बाद इनको बताया गया कि ये जो इनका ऑरास देखने की जर्नी है वो शुरू हुई, इनको ऐसे सारे लोगों के आसपास जो ऑरास हैं, हमारे जो कलर फील्ड्स हैं, लाइफ फोर्स है, वो दिखाई दे रहा है। तो इनके जो मास्टर थे इनको बोलते थे ये जो आपका टीचिंग है, ये जो आपको दिखाई देता है, इसका जो यूज़ है आपको आगे जाके करना है, तो ये जो टाइम आएगा वो हम आपको बताएंगे कि कब इसका यूज़ करना है। और इस दौरान फिर उनको
और भी सीक्रेट नॉलेज दिया गया, जैसे ओरेकल ट्रेनिंग जो होती है इनकी, जो मेटाफिजिक्स के बारे में, और इनके जो वहाँ पर मोनेस्ट्री में ऐसे कुछ जगह भी थी जो बहुत सीक्रेट रखते थे, बाकी लामास को नहीं पता थे, जो नॉर्मल थे, जो सीनियर मोस्ट थे उनको पता था कि अंडरग्राउंड टनल्स भी थे, अंडरग्राउंड केव्स थे, और ऊपर जो क्योंकि ये पहाड़ में रहते थे तो वहाँ पर भी केव्स थे, वहाँ पर कैसे इनकी अद्भुत विद्या जो इनको मिलने वाली थी वो सारी टीचिंग्स उनकी स्टेप बाय स्टेप शुरू हुई। सो इनको कुछ टाइम केव्स में रहने को बोलते थे, और वहाँ पर जैसे डार्कनेस था, उस ऐसे छोटे छोटे केव्स वो माउंटेन्स में ही बने हुए थे, पहले से ही बना के रखते थे, और वहाँ के जो नियम था एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता था। अगर आप केव में जाके मेडिटेशन कर रहे हो तो बिल्कुल वहाँ पे अंधेरा होता था, इतनी सी भी लाइट अंदर आने नहीं देते थे, वहाँ पे उन्हें 3 साल और 3 दिन रहना पड़ता था, और वहाँ पे सिर्फ उन्हें मेडिटेशन होता था, और छोटे से छेद होती थी वहाँ से उनको चाय दिया जाता था या खाना दिया जाता था, बस उतनी सी ही देर तक वो लाइट आने देते थे और फिर बंद कर देते थे एक स्टोन के साथ, बाकी टाइम उनको सिर्फ मेडिटेशन ही करना होता था इस केव के अंदर। तो ये एक उनका नियम था जो इनको फॉलो करना था, जो इन्होंने 3 साल किया। उसके बाद उनका एक और ट्रेनिंग था जो अंडरग्राउंड टनल्स थे बने हुए थे मोनेस्ट्री में, जो इनके जो टीचर थे मेंग्यार वो उनको लेके जाते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने एक चैप्टर में बताया है कि कैसे उनका जो एक्सपीरियंस था इस टनल के अंदर जाने का, और वहाँ पर अंदर जो टनल थी वहाँ पर लाइट कम थी, और उन्होंने ये सारा एक पूरा चैप्टर बताया है कि कैसे वो टनल के अंदर उनका एक्सपीरियंस, और जो वॉल्स थे वहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए थे, कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, और तिब्बत में ना अंडरग्राउंड जो था वहाँ पे गोल्ड बहुत था, गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहाड़ियों में था, और अंडरग्राउंड टनल्स पे तो बहुत कुछ दिखता था एज ए नगेट्स, तो वहाँ पे ये गोल्ड एंड सिल्वर उनको दिखा, और ये सब भी उन्होंने लिखा है इसमें कि कैसे उनका जो एक्सपीरियंस था वो उसके टनल के अंदर एक फीलिंग्स थी, जो वाइब्रेशन थी वो बहुत अलग थी, और वहाँ पर जो उनकी ट्रेनिंग थी उनको पता, जो उनके मास्टर थे उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने देते हैं जो जिनकी टीचिंग्स और जो जिनको ये स्पेशल नॉलेज और विजडम दिया जाना चाहिए था। सो वहाँ के जो वॉल पे लिखा गया था उसके बारे में इनको जानकारी दिया, और टनल के अंदर उनको एक ट्रेनिंग दी गई अलग से, और पावरफुल जो थी पावरफुल ट्रेनिंग थी वो भी उनको दी गई। उसके बाद इन्होंने एक और एक्सपीरियंस बताया कि टनल के अंदर की जो ट्रेनिंग थी वो भी क्यों थी, बिकॉज वहाँ पे भी एकदम अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो ये लोग अपनी टॉर्चेस लेके जाते थे, और क्योंकि वो टनल के अंदर की जो एनर्जी अलग थी, वहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जीज थी जिनके साथ ये लोग कहते थे कि वहाँ के गॉड और गॉडेसेस नाम देते हैं इन जो हायर एनर्जीज था उनका उनका प्रेजेंस था, जैसे उनको फील होता है कि अगर हम टनल में जाएं तो उस एनर्जी को वो फील करते थे जो हायर पावर थी उनके अंदर, तो वो बीइंग्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम इनविजिबल हेल्पर कहते हैं या गॉड गॉडेसेस ये लोग कहते हैं कि वहाँ के जो देव देवता थे जिनको ये मानते थे उनकी प्रेजेंस वहाँ पर थी अंडर टनल्स पे। सो वहाँ पर छोटा सा एक टेम्पल भी था केव के अंदर, ये टनल के अंदर ही, और वहाँ पे इनके जो एक्सपीरियंस हुआ उस टनल के अंदर उस टेम्पल के पास, और वो जो बीइंग्स उनको कुछ कुछ दिखाई देने लगे, उनकी जो ऑरास थी या गोल्डन लाइट थी या गोल्डन हेलो था, ये सब उनको उस टनल के अंदर एक्सपीरियंस हुआ। तो ये भी उन्होंने सारा कुछ महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, ये भी उन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो बहुत पढ़ने वाली बुक है ये, और उनकी जो जर्नी थी इसके बाद
इसके बाद की वो भी बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने इस बुक में बताया है। एक उन्होंने चैप्टर और अच्छा अच्छे से बताया है कि इनके जो मोनेस्ट्री था, जिसको ये चकपुरी टिबेटन मेडिसिन की मोनेस्ट्री थी, उसके पास एक और मोनेस्ट्री था जिसको ये पोटाला के नाम से था। तिबेतन तिबेत शहर में ये अभी भी है, पोटाला करके। यहाँ पे दलाई लामा जी रहते थे, और जो इनका तिबेत मेडिसिन का जो मोनेस्ट्री था, वहाँ पे सिर्फ ये ट्रेनिंग होती थी। तो इन्होंने पोटाला के बारे में भी पूरा एक चैप्टर लिखा है, जहाँ पर दलाई लामा जी खुद रहते थे, जहाँ उनका रेसिडेंस था तब। और ये सब जैसे मैंने बताया, ये चाइना के इन्वेड करने से पहले था, तो दलाई लामा वहाँ पे तब रहते थे, लेकिन उनका जो ये जो महल जैसा था और वहाँ पे उनके जो रूम थे वो बहुत बहुत ही अद्भुत थे। वहाँ पे पेंटिंग्स थी, तिबेतन पेंटिंग्स उनके रूम में, और कुछ ड्राइंग्स थे, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स लगे हुए थे। ये सब दलाई लामा के रूम का इन्होंने पूरा एक चैप्टर में बताया है। उनके साथ जैसे मैंने बताया, उनकी जो मीटिंग हुई थी दलाई लामा से, और फिर इस जर्नी के दौरान वो चार पांच बार उनसे मिलते थे, और फिर जैसे जैसे उनकी टीचिंग्स होती गई, बढ़ती गई, 12 साल की उम्र आई उनकी और ये सब टीचिंग्स बढ़ती गई, तो उनका मिलना दलाई लामा जी से और बाकी सीनियर टीचर से बहुत होने लगा। तो ये जो पोटाला मोनेस्ट्री थी, इनका आना जाना बहुत शुरू हुआ वहाँ पर, और वहाँ पे फिर वो कुछ साल रहे भी वहाँ की टीचिंग्स के लिए, और वहाँ के जो मैंने बताया स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ के जो नियम थे, डिसिप्लिन था, वो फॉलो करते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने इतने अच्छे से इस बुक में लिखी है, सारी ट्रेनिंग। और एक चीज़ उन्होंने इस बुक में लिखी थी जो मैं बता सकती हूँ, कि जैसे मैंने बताया वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते थे, तो हर्ब्स ही थे। इनको इसीलिए तिबेतन मेडिसिन में इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि जो वहाँ पे पहाड़ों पे हर्ब्स थे, वो हर एक चीज़ का इलाज उस हर्ब्स में था, और इनको सबको बचपन से ये नॉलेज दिया जाता था इस मोनेस्ट्री में कि ये हर्ब्स का यूज़ किया है। कुछ ऐसे हर्ब्स होते थे जो बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने में काम आते थे। जैसे मैंने बताया, इनका जो थर्ड आई ओपनिंग का जो सेरेमनी था, उसमें जो हर्बल लोशन लगाया, उसके वजह से इनको पेन ही नहीं हुआ, बहुत ही कम पेन हुआ। और फिर वहाँ पे जो जैसे किसी को चोट आती थी या कोई बीमार होता था, ये हर्ब्स यूज़ किया जाता था। जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, उनको हर्बल मेडिसिन डॉक्टर्स, तिबेतन मेडिसिन डॉक्टर्स के नाम से थे, और ये हर्ब्स का इनको नॉलेज बहुत अच्छे से सबको मालूम होता था। तो ये सब एक तरीका फॉलो करते थे, हर्ब्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे पहचान करनी है, कैसे उसको एक तरीके से पीसना है, फिर एक जार्स में रखना है, और फिर जब यूज़ हो तो किस तरह से किसको किसके साथ मिलाना है, ये सब इनको इस ट्रेनिंग के दौरान सारा कुछ सिखाया गया। इस बुक में इन्होंने हर एक चीज़ बहुत एक तो इजी तरीके से लिखी है, और जैसे मैंने बताया, पहली बार तो मुझे समझ नहीं आई थी ये बुक, क्योंकि मुझे इतना स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था शायद, और तब मैं शायद मेरा बिगनिंग था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये बुक पढ़ी दो बार, और इस अब थर्ड बार पढ़ी, तो और ज़्यादा समझ आया। और एक और रीज़न है इसको समझने का, मैं खुद लद्दाख बहुत बार जा चुकी हूँ सिंस 2014 से, और मेरी भी जर्नी जब लद्दाख से शुरू हुई, तो मैं भी दलाई लामा से मिलने ही गई थी। वहाँ पे उन्होंने एक कुछ 14 दिन के लिए स्पेशल इनिशिएशंस रखे थे, जो मुझे बहुत फील होता था अंदर से कि मुझे भी जाना है इस इनिशिएशन सेरेमनी के लिए, प्रोसेस के लिए। तो मैं भी गई, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे लद्दाख में, और लद्दाख को मिनी तिब्बत कहा जाता है। तो जब चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत को, तो दलाई लामा जी इंडिया आ गए थे। इंडिया आ गए, उन्होंने फिर अपना बुद्धिज़्म फैलाया, और फिर लद्दाख को मिनी तिब्बत कहते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे तिब्बतन्स लद्दाख में आए। और मैं जब लद्दाख जाना शुरू किया, अब जब ये बुक पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट लगता है इसको देखकर, कि ये सारी जो चीज़ें जो इसमें इन्होंने बुक में लिखी हैं, वो ये सारे जो
चोरतंत के नाम से थे, चोरतंत बोलते हैं, छोटे छोटे ऐसे मोनेस्ट्री बनाते थे, और जो मोनेस्ट्रीज अभी लद्दाख में हैं या हम देखते हैं अपने कंट्री में, बहुत सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते थे तिब्बत में तब। तो ये सारी, ये बुक पढ़ने के बाद मुझे और ज़्यादा समझ आया कि टिबेतन प्रेयर्स कैसे होती हैं, टिबेत जो फ्लैग्स होते हैं, ये लोग जो अपनी जो इनके ड्रेस होती है लामास की, जो ये लोग पहनते हैं, फिर जो स्कार्फ्स पहनते हैं, जो लेडीज़ होती थी वहाँ की, जो विमेन होती है, वो कैसे एक अलग तरीके से ड्रेसअप करते थे, खूब सारी ज्वेलरी पहनते थे, और इनका जो रहन सहन है, खाने का जो स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, वो सब मैंने लद्दाख में महसूस किया। और अब जब ये बुक पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है कि ये सब तो मैंने खुद देखा है, तो इस बुक में जो लिखा है उन्होंने तब, ये सारी चीज़ें एक एक नॉलेज के हिसाब से अगर कोई पढ़े और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बिगनिंग में पढ़े तो बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है, बहुत विजडम मिल सकता है। और अब मैं आपको एक लास्ट चैप्टर के बारे में बताती हूँ, जो इन्होंने ये सारी जो इनके जो सारी टीचिंग्स हुई, इन्होंने जो महसूस किया, इन्होंने जो पढ़ा, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो सीक्रेट पावर्स थे इन्होंने बताए उसके बारे में, इसमें सब सब बहुत अच्छे से लिखा है। जैसे एक सीक्रेट पावर के बारे में इन्होंने ये लास्ट चैप्टर्स में लिखा है कि एस्ट्रल ट्रैवल भी वहाँ पर करते थे लोग, बहुत आसानी से इसके बारे में लोग करते, एक तो लिखते हैं और महसूस भी करते थे लोग। सो एस्ट्रल पावर भी इन्होंने लिखा है कि वहाँ पर इनको सिखाया जाता था कि कैसे अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करें और फिर एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। ये जो लामास थे अपने बॉडी को लेविटेट भी इजीली कर सकते थे। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ लिखी है कि हम जो सोचते हैं ना ये मिस्टिकल पावर्स हैं और उसको सीखना बहुत मुश्किल है और ये सबके बस की बात नहीं है, इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि क्योंकि ये लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते थे, तो इन्होंने लिखा है अगर आप नेचर के लॉ को, जो अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो और समझते हो, तो ये सारी जो विद्याएं हैं, हम जिसको मिस्टिकल पावर कहते हैं, इन्हें सीखना मुश्किल नहीं है। तो तिबेतन्स जो थे इनको ये नॉलेज था बचपन से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये इस लॉ ऑफ नेचर से बहुत जुड़े हुए थे, मदर अर्थ के मदर अर्थ को ये बहुत अच्छे से महसूस करते थे, नेचर को समझते थे, जैसे सन, और जैसे एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते थे, सन के टाइमिंग को, मून को, स्टार्स को देखना, स्टार्स के चेंज डायरेक्शंस को समझना, ट्रीज के साथ बातें करना, बर्ड्स के बर्ड्स जैसे बर्ड्स के क्या बोलते हैं बातों को समझना कुछ कुछ, या हर एक नेचर का जो हिसाब किताब था इनको बहुत बारीकी से समझते थे ये लोग। इसीलिए ये इस बुक में इन्होंने 3-4 बार इसको बताया है कि हम लोग लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते हुए ये मिस्टिकल पावर्स को सीखते थे, रिलैक्सेशन टेक्निक को सीखते थे, मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते थे और सिखाते थे, और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वे में इसको सबको बांटते थे ज्ञान। मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन, देन स्पिरिचुअल लॉस, जो मैं ये नेचर लॉस, लॉज ऑफ नेचर, थर्ड इनकी जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे, फिर इनके जो बुद्धिज़्म, जो बुद्धिस्ट स्टेप्स थे, उनकी जो टीचिंग्स थी इसको फॉलो करते थे, ये सारे जो इनकी जो जर्नी थी और ये जो बुक है इसके बेस पर इन्होंने ये सब महसूस किया, सीखा, और फिर इन्होंने इस बुक में लिखा। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि लास्ट चैप्टर्स में कि और एक चीज़ बताई, जो इन्होंने थर्ड आए जो ओपनिंग थी और इनका जो टीचर के साथ जो एक डिस्कशन था
मैंने जो बताया कि इनको थर्ड आई ओपनिंग जो इनकी फास्ट फॉरवर्ड में करी, इनको जो इसका प्रोसेस था वो यूज़ करने का टाइम फिर लास्ट स्टेजेस पे आया, मतलब लास्ट पेजेस में इसके बारे में लिखा है इन्होंने कि एक मीटिंग के बारे में लिखा है जब दलाई लामा जी इनके टीचर को बोलते हैं कि इनका अब जो जिसके लिए इन्होंने जन्म लिया है ना, अब वो वक्त आ गया है। तो ये जो लास्ट चैप्टर है ये लिखा है यूजिंग द थर्ड आई। इन्होंने इसमें लिखा है कि इनको इनके इनकी एक मीटिंग होती है दलाई लामा के साथ उनके पोटाला जो मोनेस्ट्री है उसमें, और इनके टीचर जो थे उसमें इन्होंने लिखा है कि इस मीटिंग में दलाई लामा जी रामपा को, लोपसंग रामा को बोलते हैं, अब वो समय आ गया है जब आप अपनी ये स्पेशल पावर्स यूज़ करेंगे। जो थर्ड आई ओपनिंग जो सेरेमनी आपकी हुई थी, जो आपके अंदर ये अंदर एक अद्भुत जो नॉलेज है, अब इसका समय सही उपयोग के लिए आया है। तो इन्होंने बताया कि इनको इनको क्योंकि ये चाइना के आसपास ही थे, चाइना शहर में, तो दलाई लामा जी को ये सब पता था कि चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तिब्बत को ऑलरेडी क्या बोलते हैं कैप्चर करने के लिए रेडी हो रहे थे। सो ये जो मिशन था चाइना का, ये दलाई लामा और उनके जो सीनियर्स लामा थे इनको ऑलरेडी पता लगना शुरू हो गया था। तो इस मीटिंग में लोपसंग रामपा को वो कहते हैं कि तुम्हें अब एक मिशन दिया जाता है, तुम्हें एक एक जो इनको जो यूज़ करना है तुम्हारे पावर्स को, तुम्हें एक काम दिया जाता है कि तुम्हारे जो थर्ड आई ओपनिंग है, जो थर्ड आई नॉलेज है, जो क्लेयरवॉयंस लेवल है, वो इस तरीके से यूज़ करना है कि जो चाइना से लोग जितने भी आते हैं, चाइनीज़ जो मिशन पे आते हैं या जो ये क्या बोलते हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं या सिक्योरिटी के लोग हैं या आर्मी के हैं, अगर वो तिब्बत बॉर्डर पे या आते हैं तो तुम्हें देखना है और महसूस करना है और उनके बारे में इंटरप्रेट करना है कि उनके ऑरास में तुम्हें क्या दिखाई देता है। उस इंटरप्रिटेशन के दौरान तुम हमें बताओगे, हमारे लामा टीचर्स को या दलाई लामा जी को डायरेक्टली भी या उनके टीचर्स को, कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इनको पता था रामपा को कि इन्हें समझ में आता है ऑरास को देख के, और वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ हद तक कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी बॉडी की लैंग्वेज है, और इस तरीके से हम प्रिपेयर हो सकते हैं तिब्बत में कि क्या चल रहा है चाइना गवर्नमेंट में और क्या वो सोच रहे हैं और किस तरीके से वो लोग ये प्लान कर रहे हैं। तो ये एक काम उनको दिया जाता है उनकी ट्रेनिंग के दौरान, और उनकी जो पावर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए उनको ये सर्विस के दौरान बोला जाता है करने के लिए। तो ये सब वो इस बुक में लिखते हैं कि कैसे उन्होंने फिर दलाई लामा जी के कहने पर, और ये जो सीनियर मेंबर्स थे, जो मास्टर्स थे, ये कहने पर उन्होंने ये सारा कुछ करना शुरू किया। फिर उनको एक स्पेशल रूम दिया गया और वहाँ पर फिर टेलीस्कोप भी था, टेलीस्कोप भी रखा, इन्होंने टेलीस्कोप भी देखना शुरू किया, चलाना शुरू किया, और अपनी क्लेयरवॉयंस लेवल से इन्होंने महसूस किया, देखना शुरू किया कि जो आर्मी है या चाइनीज़ मिशन्स के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जब आते थे मिलने दलाई लामा जी से या कुछ बातें करने, तो इनको पहले से ही ये देखते थे कि उनकी ऑरास में क्या दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये हेल्प करना शुरू किया इन्होंने मोनेस्ट्री में रहकर, और बताना शुरू किया कि क्या क्या चल रहा है। इन्होंने अपनी पावर्स सही तरीके से इस्तेमाल करनी शुरू की और मोनेस्ट्री को हेल्प करना शुरू किया। फिर उन्होंने ये सारी टीचिंग्स के बारे में और उनकी हेल्प, उनकी सर्विस, और फिर इस दौरान इन्होंने अपने बारे में और लिखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस बुक में उन्होंने लिखी हैं कि लामा की लाइफ के बारे में, उनकी इनकी और जैसे बहुत माइन्यूट डिटेल्स इन्होंने इस बुक में लिखी है। पर मेन बुक इस पर्पज़ का जो है वो ये है कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथा इस बुक के दौरान हमें बताई है, वो एक ऐसे हम समझ सकते हैं कि
उन्होंने शेयर किया है अपना बचपन से लेकर अपना जो एज ऑफ जो लामा बन जाते हैं 14 years तक, 12 या 14 years जो है उस एज तक, इन्होंने इसको पूरे बुक में इतने अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग रिटर्न इज ट्रू, ट्रूथ है इस बुक में सारा कुछ जो लिखा है। और ये आपके ऊपर है कि आप इस बुक को कितना समझते हो और कितना सच्चा मानते हो। सो इन्होंने इस तरीके से इस बुक को लिखा। उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी ऐसे इस बुक में बयान की है। इन्होंने इसके बाद फिर और भी बुक्स लिखी जो इनके स्पेशल नॉलेज या पावर्स के बारे में, और एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर कैसे वहाँ पे तिब्बत के लोग ये सब यूज़ करते थे और बहुत नॉर्मल था वहाँ के लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स ऐसी बुक्स में उन्होंने एक इजी तरीके से हम जैसे लोगों को, हम स्पिरिचुअल सीकर्स को, मास्टर्स को बताने का काम किया है। मेरे पास और एक बुक है इनकी जो मुझे, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मुझे ये तब भी मुझे ये बुक बहुत स्पेशल लगी थी, क्योंकि थर्ड आई नाम था और मेरे को लगा था थर्ड आई है मतलब कुछ थर्ड आई के बारे में तो है ही। मैंने ये वाली बुक भी पढ़ी, द केव ऑफ द एंशियंट्स, ये वाली बुक भी मैंने फिर खरीदी और पढ़ी। सो ये अलग जर्नी है। सो एनीवे मैंने ये बुक आपके साथ इसलिए शेयर की कि मुझे ये ऐसा लगता है जैसे हमारी जर्नी के टाइम पे ये बुक पढ़ना और इसके बारीकी के बारे में समझना बहुत ही एक स्पेशल मुझे भी लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब शेयर किया, आपके साथ मेरा अनुभव और इस बुक का नरेशन। आई होप मैंने जो बताया आप लोग को समझ में आया, और आप कुछ लोगों ने तो ये बुक पढ़ी भी होगी क्योंकि पत्री सर भी इस बुक के बारे में बहुत बार बात करते हैं। तो ये मेरी स्वाध्याय सीरीज़ जो थी और PMC चैनल हिंदी के दौरान मैंने ये आपको शेयर किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा, और फिर मुलाकात होगी। और आप लोग बुक ये पढ़िए, अगर आप लोग बुक ये, आई थिंक ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और मंगा सकते हैं इस बुक को, और इनका किंडल वर्जन भी शायद मिल जाए। तो ये बुक पढ़िए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। ये बुक बहुत स्पेशल बुक है और बहुत ही अच्छी नॉलेज इसमें मिलती है स्पिरिचुअल विजडम के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच, और नमस्ते और प्रणाम, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।